हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों? स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक्निकल गुरु भाई। दोस्तों मेरा परमेश्वर, मैं आज बात करने वाला दोस्तों HD प्रोजेक्टर के बारे में। दोस्तों देखिए, मेरे पास है HD प्रोजेक्टर। ऐसा ही प्रोजेक्टर मैंने लगभग 2 महीने पहले मंगाया था और उसे यूज कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। इसको आप लेंगे तो आप जो है LCD TV LED TV बन जाएंगे। दोस्तों आज अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा है और इसमें क्या क्या जो स्पेसिफिकेशन है इसका सब आपको बता देता हूँ। उसके बाद इसी वीडियो में रिव्यू भी करने वाला हूँ इस प्रोजेक्टर का और आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका जो स्क्रीन साइज आप कितना देख सकते हैं, इसका जो क्लैरिटी कितना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें हमको मिलता है रिमोट। ये रिमोट में बैटरी है कि नहीं है पता नहीं। और इसके बाद जो है आपको मिलता है ये केबल। तो दोस्तों ये केबल जो है पता नहीं है का कौन सा कंट्री का, चाइना का है। यहाँ तो मेरे पास इसका प्लग सपोर्ट नहीं है तो मैं दूसरा जो मेरा प्रिंटर का प्लग है वो यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर इसको मैं साइड में रख देता हूँ और ये निकाल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ पेपर है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अरे इस प्रोजेक्टर को मैं अभी यहाँ पर निकालता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो यूजर मैनुअल दिया हुआ है, इस यूजर मैनुअल को आप देखकर जो है इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसको कैसे चलाना है और इसका जो लाइफ है कैसे ज़्यादा दिन तक आपको चलाना है ये पढ़ने के बाद में आपको सब पता चल जाएगा। तो आप अगर खरीदते हैं तो ये जरूर पढ़िए। मैं इसको साइड में रखता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ ये प्रोजेक्टर में और क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये VGA आप अपना PC में जोड़ सकते हैं, लैपटॉप में जोड़ सकते हैं अगर VGA सपोर्ट है तो। सर PC में तो बिजी होता है, किसी कोई कोई लैपटॉप में नहीं होता है। तो और ये जो है रिमोट का सेंसर, आप ये दोनों साइड दिया हुआ है, इस साइड भी है और इस साइड भी रिमोट का सेंसर है, आगे पीछे दोनों साइड रिमोट का सेंसर है। तो ये बहुत अच्छा बात है कि प्रोजेक्टर आप जब देख रहे होते हैं तो दोनों साइड से जो है आपका रिमोट काम करेगा। और यहाँ पर ये जो है कूलर, यहाँ फैन लगा हुआ है और ये प्लग है। यहाँ पर ये जो है देखिए, इसमें आप फोकस एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लर होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और थोड़ा टेढ़ा होता है उसको आप सीधा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए दो दिया हुआ है। और इसका जो मेन है सबसे अच्छा HDMI दिया हुआ है। HDMI से आप इसको लैपटॉप या फिर PC या फिर कोई भी स्मार्ट बॉक्स या फिर आपका जो सेटअप बॉक्स होता है, अभी सभी में HDMI का सपोर्ट होता है, तो आप इसको जो है HDMI से सेटअप बॉक्स भी इसमें चला सकते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसा सेटअप बॉक्स है जिसमें कि RF डिस भी, एनालॉग TV भी देख सकते हैं, तो वो भी आप इसमें जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हेडफोन है, इसमें आप हेडफोन लगा के अपना अगर आप प्राइवेट में देखते हैं तो हेडफोन लगा के आप हेडफोन में सुन सकते हैं और नहीं तो आपको अगर होम थिएटर में लगाना है तो आप जो है यहाँ से होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इनबिल्ट स्पीकर है लेकिन वो स्पीकर जो है ज़्यादा अच्छा से काम नहीं करता है, वो उसका साउंड ज़्यादा नहीं है। अगर आप पर्सनली रूम में देखते हैं तो ठीक है, अगर हॉल में देखते हैं अपना फैमिली के साथ देखते हैं थोड़ा बड़ा स्क्रीन में बाहर, तो आपको जो है होम थिएटर इसमें जोड़ना पड़ सकता है क्योंकि इसका जो साउंड है बहुत ही कम है। और ये जो है यहाँ पर देखिए एक पोर्ट है, ये AVI पोर्ट है करके जो आपका DVD होता है पुराना मॉडल का, अभी नया मॉडल DVD जितना भी आप खरीदेंगे उसमें आपको HDMI मिल जाएगा। सेटअप बॉक्स में तो होता ही है लेकिन कोई कोई DVD में आपको नहीं मिलेगा जो HDMI, तो आप जो है इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी इसमें मुझे केबल नहीं मिला लेकिन पहले जब मैं खरीदा था तो उसमें AV का केबल दिया था, तो आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट में इंडिया में आपको 50-60 रुपये मिल जाएगा, मैं मलेशिया में तो यहाँ पर 5-6 रुपये में मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2 USB पोर्ट है, ये दोनों USB पोर्ट में आप जो है पेन ड्राइव चला सकते हैं, पेन ड्राइव लगा के आप जो है मूवी वगैरह वगैरह देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया, इसका स्पेसिफिकेशन क्या था मैंने आपको बता दिया। अब इसको स्टार्ट करने के बाद में देखते हैं ये कैसा है। आपको स्टार्ट करने के लिए आपको देखिए इसको जो है स्लाइड करना पड़ेगा, ये स्लाइड करते ही इसका जो लेंस है आगे आएगा, इसको आप अगर प्लग लगाते हैं और इसको स्लाइड करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैं इसको ऑन करके आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ कि इसका स्क्रीन जो है बिल्कुल LCD LED TV की तरह है, बहुत ही फ्रेश है। ये लगभग आपको इंडिया का 7-8 हज़ार रुपया मिल जाता है, मलेशिया में यहाँ पर 400 में आपको ये मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसका जो रिजोल्यूशन है HD Full HD भी ये दिखाता है, 4K ये 4K वीडियो नहीं चलाता है। अगर 4K आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है तो आप अपना लैपटॉप में 4K वीडियो चलाए और इसमें जो है देख सकते हैं।
और ये भी अगर IMKA भी है फॉर्मेट तो नहीं चलाएगा, IMP4 है तो ये प्रोजेक्टर चलाता है। दोस्तों चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगाया और दोस्तों यहाँ पर देखिए फोटो है, म्यूजिक है, टेक्स्ट है, सेटिंग है, सोर्स है, सेम स्क्रीन, आप जो अपना मोबाइल जो है मिररिंग भी इसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर मूवी चलाता हूँ उसकी ड्राइव। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको प्रोग्राम है फर्स्ट टाइम, एक ही गाना है तो मैं एक ही गाना प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्ले हो गया और आप देख सकते हैं इसको। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गाना प्ले हो रहा है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही क्लियर है स्क्रीन। आप इसको अपने हिसाब से जो है साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन सॉरी मेरा रूम में स्पेस ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको बड़ा करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये प्रोजेक्टर कैसा है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेम स्क्रीन, यहाँ पर सेम स्क्रीन में जाएंगे तो आपको जो है अपना मोबाइल जो है कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक वीडियो क्लिक किया और बिना केबल जोड़े ही आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है यहाँ पर हाथ में है मेरा मोबाइल और देखिए ये प्रोजेक्टर चला रहा है बिना तार के, कोई भी तार कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्टर जो है इतना कम दाम में बहुत सारे काम करता है, बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाता है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्टर पसंद है तो आप जो है खरीदने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, इस प्रोजेक्टर को आप खरीदते हैं और कुछ सेटिंग वगैरह आपको नहीं पता है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।